The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. It's a good talk. Anti-inflammatory medications, anti-inflammatory food products क्या होते हैं? कहने का मतलब अगर आपको आप smoking करते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो, pollution वाले areas में रहते हो, तो या फिर even कोई भी बीमारी आपको diabetes है, आपको arthritis है, आपको कोई भी autoimmune disease है, rheumatoid arthritis है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द हो, कहीं खुजली होती है, कोई allergic reaction है, आपको सर्दी खांसी होती है, नाक जल्दी खराब होता है, allergy, कोई भी literally कोई भी बीमारी है, उसमें inflammation तो रहता है. मोस्ट में राइट सो हमें एंटी इंफ्लामेटरी फूड लेना चाहिए कई बार इंफ्लामेशन कम करने के लिए. सो एंटी इंफ्लामेटरी फूड बहुत अच्छे होते हैं. सो ऐसी चीजों को अपने डाइट में रखो. लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसे क्या एंटी इंफ्लामेटरी फूड होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ मामले में वो खराब भी हो सकते हैं. राइट देखिए इट हेल्प्स योर बॉडी टू हील फ्रॉम इंजरी इन्फेक्शन ऐसी सारी चीज़ें और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में काम वेट लॉस में काम करेंगे और स्ट्रेस में काम करेंगे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड. लेकिन ये कई बार हमने ये देखा गया है कि एक्चुअली में कुछ ऐसे क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन इज गुड इन समटाइम्स इन कुछ इन्फेक्शन में अच्छा है. कुछ दूसरी मान लीजिए किसी के खिलाफ मैनेज करने में स्ट्रेस मैनेजमेंट तो नहीं बट ओवरऑल दीज आर गुड यू कैन जस्ट टेक इट. सो पहला सबसे अच्छा फूड है जो मिले तो खा लो वो है बेरीज. जी हाँ बेरीज जो स्मॉल छोटे छोटे फ्रूट होते हैं जिसके अंदर फाइबर भी है वाइटामिन भी है मिनरल्स भी है. इसमें बहुत सी वेराइटी आती है ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी रसबेरी ब्लैकबेरी व्हाटएवर द बेरी. सो इसमें यह है कि बेरीज के अंदर होते हैं खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि एंथ्रोसाइनिंस. ये कंपाउंड है जो खुद एंटी इन्फ्लामेटरी है आपके बॉडी के अंदर लिटरली रिस्क डिजीजेस के बीमारियों के रिस्क कम करते हैं. तो रेगुलर बेरीज खाना चाहिए. जितनी गाढ़े कलर की बेरी उतने ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी. तो गाढ़े डार्क कलर्ड बेरीज खाइए. नेचुरल किलर्स आपकी बॉडी बनाती है एक सेल्स हैं नेचुरल किलर्स. तो एंटी इन्फ्लामेटरी ये बेरीज स्टडीज में देखा गया है कि जो बेरीज खा रहे हैं रोज रोज उनके ये नेचुरल किलर सेल्स जो है बहुत बढ़िया एक्टिव हैं तो वो इन्फेक्शन से बहुत बढ़िया बचाते हैं. एडल्ट्स में ये स्टडीज बहुत अच्छे से करी एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत जोरदार है. सो बेरीज प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं. तो डू दैट आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा इवन हार्ट की बीमारी के रिस्क कम होते हैं बेरीज से. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिश या फैटी फिश बेसिकली ओमेगा थ्री क्योंकि फिश में ओमेगा थ्री है लॉन्ग चेन ईपीए एंड डीएचए चाहिए ओमेगा थ्री में ALA नहीं चाहिए ईपीए एंड डीएचए हमें चाहिए. और ईपीए एंड डीएचए आपके ज़्यादातर फैटी फिशेस में ज़्यादा मात्रा में है सैल्मन सार्डिन मकरेल एंकोव्स हेरिंग्स इनमें. और ईपीए एंड डीएचए क्या करते हैं लिटरली हार्ट डिजीज डायबिटीज किडनी डिजीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क इन्फ्लामेशन के रिस्क कम करते बीमार होने के रिस्क कम कर देते हैं. बॉडी मेटाबोलाइज ज़्यादा अच्छे से करती है फैट्स को पतले होने में फ़ायदा करता है. सो ऐसे फैटी एसिड से रिजोल्विन और प्रोटेक्टिन नाम के एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें निकलती हैं जो भैया स्टडीज में देखी गई है बहुत अच्छे सीआरपी लेवल्स कम करता है हार्ट डिजीज कम करता है हार्ट की बीमारियों के रिस्क कम करते हैं. किसी को अटैक हुआ भी तो अटैक उतना सीरियस नहीं होगा जितना हो सकता था. ओमेगा थ्री इज समथिंग एवरीबडी शुड हैव इन देयर डाइट. फिश नहीं खाते हो तो ओमेगा थ्री के सप्लीमेंट ले लो नहीं तो कुछ नहीं तो अपना फ्लेक्सीड ले सकते हो. ब्रोकली इज एन एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस बहुत जोरदार क्रूसीफेरस वेजिटेबल है जिसके जैसे कॉलीफ्लावर हो गया दूसरे केल हो गए स्प्राउट्स हो गए वैसे ब्रोकली भी है. सो रिसर्च ने देखा है बहुत सारी ब्रोकली अगर आप खाते हो तो कैंसर हार्ट डिजीज इसके रिस्क कम होते हैं. ब्रोकली के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ब्रोकली के अंदर कई सारे समथिंग कॉल्ड एज देयर इज एन एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है सल्फोराफेन. अब ये आपके साइटोकाइंस आपके जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं उसको कम करते हैं. सो साइटोकाइंस या जो डैमेज जो एक्चुअली दर्द होता है ना जब चोट लगती हो तो उससे उसको कम करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ सल्फोराफेन्स जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. तो ब्रोकली खाना चाहिए जो खा सकते हैं. देन द फोर्थ थिंग इज अवाकाडोज. अवाकाडो भैया इज वन ऑफ द वेरी फ्यू
जो उसको लोग कहते हैं सुपर फूड है, ऐसा है वैसा, बट एवोकाडो इज गुड. इट हैज ओमेगा थ्रीज, इट हैज पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, हार्ट हेल्दी, मोनो अनसैचुरेटेड फैट. सो इट्स बेसिकली हैज मैनी एंटी ऑक्सीडेंट्स, उसमें कैराटोनॉइड्स है, टोकोफेरॉल है, इसके अंदर भी कैंसर का रिस्क कम होता है, इसके अंदर भी आपका एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्क कम होता है, डायबिटीज़ का मान लीजिए, हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है. तो वेरी वेरी गुड एवोकाडोज, मिले तो खाओ, बढ़िया है. एवोकाडोज अ बेनिफिशियल कंपाउंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स. सो इन्फ्लामेशन कम करने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ. देन देर इज ग्रीन टी. जी हाँ, ग्रीन टी इज गुड. आपने सुना भी है ग्रीन टी बहुत अच्छा है, हेल्दी है. ग्रीन टी के अंदर अपना मोटापा कम करना, अल्जाइमर्स डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट सारे हैं. उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके अंदर है, उसका नाम है ई जी सी जी समथिंग लाइक एपिक ग्लूकैटिनिन 3 ग्लैक्टेट, बड़ा अजीब सा नाम है. ईजीसीजी बेसिकली इन्फ्लामेशन कम करता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स बेसिक आपके अंदर जो डैमेज करते हैं फैट सेल्स को उसको कम करता है. तो ग्रीन टी इज गुड. ग्रीन टी आप कहीं से भी ले सकते हो, ग्रीन टी लो, बढ़िया है. और फिर पता है कौन सा है फिर भी, पेपर. जी हाँ, बेल पेपर, चिली पेपर, मतलब मिर्ची खा लो या फिर अपनी शिमला मिर्ची खा लो, कुछ नहीं तो शिमला मिर्ची, दोनों में खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट है, खूब सारा विटामिन सी है, खूब सारे कलर वाले, जितने कलर वाले उतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट उसमें होते हैं. उसमें है क्वर्सिटीन जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है. और ऐसी दूसरी जो बीमारियाँ होती हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस, सार्कोइडोसिस या ऐसी कोई बीमारियाँ दूसरी बीमारियों से बचाती है. इसके अंदर ग्रीन जो चिली पेपर होते हैं ना, चिली पेपर, उसमें सिनेपिक एसिड भी होता है, फ्यूरेलिक एसिड भी है, जो इन्फ्लामेशन और ज़्यादा कम करेगा. सो चिली पेपर, बेल पेपर, ये बहुत अच्छी चीज़ है इन्फ्लामेशन के लिए, इसको भी खाते रहना चाहिए. देन देर इज मशरूम. मशरूम में भी भाई साहब बहुत सारे वेराइटी है, थाउजेंड्स दुनिया भर में, और जो एक्चुअली एडिबल है वो कई कुछ ही कम है. और एडिबल में भी मशरूम्स में कैलोरीज कम होती है, उसमें सेलेनियम, कॉपर, बी विटामिंस बहुत अच्छे होते हैं. सो दीज आर गुड. इसके अंदर फिनॉल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी फिनॉल्स हैं. सो यह मशरूम खाने से बढ़िया हो सकता है आपका भी हेल्थ, और लो ग्रेड आपके जो जितने भी इन्फ्लामेशन है, ओबेसिटी रिलेटेड, मोटापे रिलेटेड चीज़ों को भी कम करेंगे, हेल्थ मोटापे कम करने में भी काफ़ी फायदा है आपके मशरूम्स से, राइट. सो इसको लाइटली कुक करके खाएं उतना बेहतर है. देन देर इज ग्रेप्स. जी हाँ, ग्रेप्स आपके बेरीज के दूसरे टाइप के भाई. इसमें भी एंथोसाइनिन है जो इन्फ्लामेशन कम करते हैं, तो ग्रेप्स खा सकते हैं. वो भी बाकी सारी ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर्स, इन सारे कैंसर, इसमें डायबिटीज, इसमें काम करता है. और ग्रेप्स में देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज रेस्वेराट्रॉल इज अगेन हेल्थ बेनिफिट्स जो देखे गए हैं रिसर्च में, कैंसर मार्कर्स, इवन एडिपोनेक्टिन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है बॉडी के अंदर आपके, जो कि वेट गेन में भी आपके कैंसर रिस्क में भी मदद करता है. सो यस, ग्रेप्स आर ऑल्सो वेरी गुड, ग्रेप्स भी खाना चाहिए. टर्मरिक इज वेरी गुड. हल्दी भैया, हल्दी इंपॉर्टेंट थी क्या, हल्दी के अंदर सबको पता है स्ट्रॉन्ग, अच्छी जोरदार करी में आप डालते हो, इधर उधर खाते हो. कुरकुमिन है उसके अंदर, बहुत जोरदार पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कुरकुमिन. इन्फ्लामेशन कम करता है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें हल्दी का फायदा नहीं है. हल्दी इज गुड, बट यस, इसको कम खाएं, ऐसा नहीं कि दबा के खाएं. और कुरकुमिन को भी कई सारे रिसर्चेस में देखा गया है बाकी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, कई सारी बीमारियों में, इन्फ्लामेशन में, सीआरपी लेवल कम करने में, शुगर, बीपी, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स कम करने में, तो कुरकुमिन, एक्नी प्रॉब्लम्स कम करने में इज वेरी वेरी गुड. कुरकुमिन या हल्दी लेना बहुत अच्छा है. हल्दी डाला करो, खाया करो, जोरदार चीज है. देन यू कैन टेक ऑलिव ऑयल्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स. ऑब्वियसली दीज काइंड ऑफ फैट्स आर वेरी गुड फॉर यू, हार्ट हेल्दी होते हैं. बट द आइडिया इज ओमेगा थ्री का रेशियो इज वेरी गुड. सो कई सारे लोग जो बाहर लोग खाते हैं, कम ऑयल खाते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अच्छा है. एंड रेस्ट हमारे लिए तो वी आर देयर, हम तो कुछ भी खा लेते हैं. मतलब इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है ऑलिव ऑयल या किसी भी चीज़ का. सो दैट इज देयर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो खाने चाहिए, जो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं. और मेक श्योर कि आप इनमें से कुछ ना कुछ खाया करो.
इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी आपके सीड्स हैं वो अच्छे हैं, सीड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, दबा के कुछ नहीं मिल रहा तो ये नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छी डाइट खाइए, बैलेंस डाइट के ऊपर हमारे कई सारे वीडियो है, एंटी इन्फ्लामेशन के ऊपर वीडियो है, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट के ऊपर वीडियो, डैश डाइट का वीडियो ज़रूर देखो, और भी बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए, बट देन इट्स गुड। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड कोई भी सवाल है ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जाने से पहले लाइक करके जाना है।